हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक ट्रेडिशनल डिश जिसमें टाइम काफी लगता है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और फास्ट मेथड से ये डिश बनाना सिखाऊंगी। जी हाँ, आज हम कुकर में खांडवी बनाएंगे। अगर आप सही मेजरमेंट के साथ खांडवी बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट खांडवी बनेगी, और वो भी बिना किसी मेहनत के। तो आइए चलते हैं कुकर में खांडवी बनाने के लिए। और कैसे हैं मेरी फूडीज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चेतना सास बहू कुकिंग क्लासेस। तो आइए बनाने, खाने और खिलाने का सिलसिला शुरू करते हैं। खांडवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये एक कप बेसन लिया है। इसी कप से सारे मेजरमेंट करेंगे। अगर अपन सारे नाप बिल्कुल सही रखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी खांडवी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब इसमें हम 1.5 कप पानी ऐड कर लेते हैं। थ्री फोर्थ कप दही डालेंगे। वन फोर्थ चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी। अब इन सबको अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। हमको अच्छी तरह से हिलाना है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए। 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं और हम इधर जब तक गर्म पानी रखते हैं इसको साइड में रख देते हैं। अब हमने इंडक्शन कुकर पे प्रेशर कुकर रख लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी को बॉईल होने तक वेट करते हैं। आप देख रहे हैं बैटर भी रेडी हो गया है। अब इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से हिला लिया है और इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। पानी में भी बॉईल आ गया है, इंडक्शन को बंद करके, और मैंने एक इस तरह का स्टोन का टुकड़ा लिया है वो इसमें रख देते हैं। आप कोई भारी चीज रख सकते हैं ताकि ये बर्तन हिले नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरीके से हिला लेते हैं और अब हम इसको कुकर में रख देते हैं। बर्तन को अच्छी तरह से सेट कर लें और कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 4 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। चार सीटी हो चुकी है, गैस पूरी निकल गई है। कुकर खोल के देखते हैं हम। बाहर निकाल देते हैं इसको। इसको अब एक बार अच्छी तरीके से हिला लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बना है। और ये प्रोसेस हमें फटाफट करना होगा। मैंने किचन टॉप को एकदम साफ कर लिया है और इसको टॉप पे ट्रांसफर कर लेते हैं, और जितनी पतली लेयर हो सकती है उतनी पतली लेयर यहाँ पे हमें बनानी है। यहाँ पे मैंने इस तरह का मोटा चाकू यूज कर रही हूँ तो इससे लेयर अच्छी बन रही है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से ये फैल गया है। पतला, जितना पतला होगा उतनी खांडवी अच्छी बनेगी। एकदम स्मूथ कर लेते हैं इसको, जहां से थोड़ा मोटा लग रहा है सारा हमने यूनिफॉर्म कर दिया इसको। अगर आपको बीच बीच में कहीं गैप लग रहा है तो थोड़ा सा उसको गैप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो खांडवी के रोल्स हमारे बीच में से टूट जाएंगे। इसको बिल्कुल यूनिफॉर्म कर देते हैं हम, थोड़ा सा बेलन पे तेल लगा के इस तरह से। आप देखो तो बीच बीच में जो गैप्स हैं वो सारे इससे भर जाएंगे। दो तीन मिनट के लिए इसको ठंडा होने देते हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके रोल्स बनाएंगे। तो इस तरह से कट लगा देते हैं। जैसा आपको रोल्स पसंद हो उस साइज के आप रोल्स बना सकते हैं।
मैंने यहाँ 2 इंच के रूल्स बनाए हैं और लंबाई में हम 6-6 इंच से इस तरीके से आड़े कट भी लगा देते हैं, अंदाज से लगा देते हैं इसको। अब हमको इसको बहुत ही सावधानी से रोल करना है क्योंकि बहुत पतले और डेलिकेट होता है ये, बहुत ही ये ऊपर और नीचे से हमने इसको कट लगाया है तो ये हम काम नहीं लेंगे। इस तरीके से हम इसको अलग भी कर सकते हैं। अब ये लाइन एकदम क्लियर हो गई है, अब हम खांडवी बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथ पे चिपके नहीं, इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं उंगलियों पे। अब आप देखिए ये जो पहली यहाँ से जो किनार है इसको एक बार हमको ऊपर लेने की जरूरत है, फिर ये अपना आप ही बहुत ही आसानी से हटता जा रहा है। आप देख रहे हैं फर्स्ट लेयर को एक बार उठा करके सावधानी से रखेंगे फिर ये आसानी से रोल होता जाएगा। ये देखिए बहुत ही स्मूथली हट रही है और इतनी सुंदर बनी है। फर्स्ट एज को हमें थोड़ा सा ऊपर उठाना है फिर ये आराम से अपना आप हटती जाएगी। बहुत ही पतली खांडवी बनी है। पतली बनने का ये साइन है कि हमारा जो बेसन है वो बहुत अच्छे से पक गया है। बेसन अगर कच्चा रह जाएगा तो खांडवी हम पतली नहीं बना पाएंगे। पीछे से आप पुश करते जाइए, बिल्कुल हल्के हाथ से आप इस तरह से रोल करते जाइए, अपना आप रोल होती जाएगी। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने 2 चम्मच तेल ले लिया है और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, 1/2 चम्मच राई, 1/4 चम्मच तिल, हरी मिर्च या 2 हरी मिर्च काटी थी, आपको ज्यादा अगर तीखा पसंद हो तो ज्यादा भी काट सकते हैं आप, मीठा नीम 10-15 पत्ते इसके ले लिए हमने और अच्छी तरह से हिला लेते हैं। तड़का हमारा रेडी हो गया है, इंडक्शन को बंद कर देते हैं। अब हम खांडवी पे एक स्पून की हेल्प से सारे खांडवी पे अच्छे से स्प्रिंकल कर देते हैं। और अब धनिया से गार्निश कर देते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार, बिल्कुल परफेक्ट खांडवी बनी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।